हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे क्वार्टर के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे क्वार्टर होता क्या है। तो इनलार्जमेंट और हाइपरट्रॉफी ऑफ थायराइड ग्लैंड इज रिफर एज क्वार्टर। मतलब जो थायराइड ग्लैंड होती है वो इनलार्ज हो जाती है और थायराइड ग्लैंड का जो है हाइपरट्रॉफी हो जाता है, उसको हम क्वार्टर बोलते हैं। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके जो टिश्यू होते हैं उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। और हम क्वार्टर को थायरोमेगैली भी बोलते हैं। थायरो रिलेटेड टू थायराइड, मेगैली मींस एनलार्ज, तो हो गया थायरोमेगैली। क्वार्टर में भी एसोसिएट विद हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड और यूथायराइडिस है। जो क्वार्टर होता है वो एसोसिएट होता है, मींस संबंधित होता है कि अगर कोई पेशेंट है हाइपोथायराइड का तो उसे भी हो सकता है, हाइपरथायराइड का तो उसे भी हो सकता है, और ये थायराइड का स्टेट है तो भी हो सकता है। अब हाइपोथायराइड ये है कि जब थायराइड ग्लैंड है अपना सिक्रेशन कम कर देती है, और हाइपरथायराइड जो है उसमें जो सिक्रेशन होता है थायराइड हार्मोन्स का वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। यूथायराइड का मतलब है कि एक नॉर्मल स्टेट होती है थायराइड ग्लैंड की, जब वो अपना फंक्शन जो है नॉर्मल कर रही होती है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। इट में भी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड, और जो ग्वाइटर है वो कंजेनाइटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। अब हम देखेंगे इसका एटियोलॉजी, मीन्स ग्वाइटर के क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से हो सकता है। ये है कंजेनाइटल मेटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीथायराइड ड्रग और आयोडाइड। मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको हम एंटीथायराइड ड्रग दे रहे हैं और आयोडाइड दे रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। दिस जेनेटिक इक्टोपिक थायराइड ग्लैंड एंड अजेनेसिस ऑफ वन लोब। इक्टोपिक थायराइड ग्लैंड का मतलब होता है जैसे कि जो थायराइड ग्लैंड होता है नॉर्मली 3, 4, 5, 6 जो ट्रेकियल रिंग होती है वहाँ पर प्रेजेंट होती है, बट इक्टोपिक थायराइड में क्या होता है कि जो 3, 4, 5, 6 ट्रेकियल रिंग होती है वहाँ पर इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता है, अदर पार्ट में होने लगता है, जिसको हम इक्टोपिक थायराइड बोलते हैं। और अजेनेसिस ऑफ वन लोब मतलब जो थायराइड ग्लैंड का एक लोब है उसमें सही से बन नहीं पाता, उसका ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और हाइपोपिट्यूटरीज़म मतलब कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है अपना जो उसका सिक्रेशन जो है बहुत कम कर देती है, इसकी वजह से हो सकता है। इंट्रेंसिक बायोकेमिकल डिफेक्ट इन सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स। हम देखेंगे बी नंबर तो होता है एक्वायर्ड, इसमें क्या होता है इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ TSH इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन। मतलब इसमें जो क्या है TSH का लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है और थायराइड जो हार्मोन से उसका लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है। इन्फ्लामेशन एक्यूट सपोर्टिव और वायरल थायराइडाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन हो सकती है जैसे कि कोई वायरल इन्फेक्शन है या थायराइडाइटिस है। आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से होता है जो कि मोस्ट कॉमन काज है। न्यूप्लाज्म बिनाइन एडिनोमा टर्टोमा कार्सिनोमा। न्यूप्लाज्म का मतलब होता है कि जो एबनॉर्मल सेल्स की इसमें ग्रोथ होने लगती है। और फिजियोलॉजिक मतलब